देवास जिले के हाटपिपलिया में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में कार सवार कार के अंदर फंसा हुआ था। वहीं मौके से गुजर रहे विधायक मनोज चौधरी ने कार का गेट तोड़कर घायल को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हाटपिपलिया और देवास के बीच एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। कार चालक कपिल पाटीदार कार में फंस कर रह गया था। इसकी जानकारी विधायक मनोज चौधरी को मिली तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तुरंत लोहे की रॉड अपने हाथों में लेकर कार के गेट को खोलने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें गेट तोड़ने में कामयाबी मिल गई। इसके बाद कार चालक को निकालकर खुद एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक ले गए और घायल का इलाज करवाया। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले में मनोज चौधरी ने बताया कि जब देखा तो कपिल पाटीदार जो गाड़ी चला रहा था वह स्टेयरिंग व सीट के बीच में फंस गया था। दरवाजा भी लॉक हो चुका था। फिर दरवाजे को टॉमी से खोलने का प्रयास किया गया। इस दौरान पीछे का दरवाजा खुल गया। साथियों के मदद से उसे बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से उसे हाटपिपलिया के अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उसकी हालत ठीक है। हमारे जो है लिम्बोला फाटा के आगे एक एक्सीडेंट हुआ है। यात्री उसके अंदर फंसे हुए हैं। हम तत्काल सारे कार्यक्रम छोड़कर वहां पहुंचे और जब वहां पहुंचे देखा कि हमारा कपिल पाटीदार जो गाड़ी चला रहा था वो अपना हैंडल और स्टेयरिंग और उसके सीट के बीच में फंसा हुआ था। दरवाज़ा भी लॉक था। हमने पहले तो सब बल से और टामी लेकर के उसको खोलने का प्रयास किया। फिर जब उसको धक्काया तो पीछे का दरवाज़ा हमारा खुल गया। पीछे का दरवाज़ा खुला और नीचे से हमने वो लॉक नीचे करा। कुछ सब साथियों ने उसको धक्का धक्काई करा तब जा कर के उसका पैर निकल पाया। पैर निकाल के हम तत्काल उसको तब तक हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी। तत्काल उसको लेकर के अस्पताल पहुंचे। अब वो पेशेंट ठीक है। अब हालत उसकी ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।